हेलो गाइस, व्हाट इज अप, कैसे सब लोग, वेलकम बैक द अनदर एपिसोड ऑफ फेक पिक्सेल। तो आज के वीडियो के अंदर मैं बहुत स्पेशल चीज लेके आया हूँ। बहुत सारे लोगों के, छोड़ो यार, मेरा खुद का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज मैं आर्मर अपग्रेड नहीं कर पा रहा था, स्पेशली फाइनल डेस्टिनेशन आर्मर। बिकॉज एंडोमैन स्लेयर को कम्प्लीट करने के लिए हम लगभग T1 और T2 इजिली कर लेते हैं, बट T3 और T4 करने में भाई पूरी तरीके से सबकी फट जाती है। बट अगर आपका आर्मर पूरी तरीके से अपग्रेडेड हो तो क्या होगा, T3 या फिर T4 को इजिली डिफेंड कर सकते हो या फिर उसको इजीली मार सकते हो। तो उसके लिए हमें आर्मर को अपग्रेड करना होता है, और अपग्रेड करने के लिए 150,000 स्किल्स आप सब लोगों को, एंडरमैन्स को या फिर रिपर आर्मर के लिए आपको ज़ॉम्बीज को किल करना पड़ता है। तो ये करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं और उसके साथ साथ लैग भी होता है फेक पिक्सेल के अंदर। इसका सोल्यूशन मैं लेके आ चुका हूँ और इससे यहाँ पर आप सभी लोगों को मनी मेकिंग भी मिल जाने वाली है, उसके साथ साथ कॉम्बैट एक्सपी भी आप सभी लोगों को बहुत सारे मिलने वाली है, नॉर्मल एक्सपी भी यहाँ पर आप सभी लोगों को मिल जाने वाली है, बहुत सारे छोटे मोटे अपडेट्स भी आ चुके हैं। तो ये भी सारी चीजें मैं आप सब लोगों को बता दूंगा। हमने लास्ट टाइम गिव अवे किया था 5 मिलियंस का, वो भी फेक पिक्सेल का, अपने डिस्कॉर्ड के अंदर। प्लेयर जीत चुका है, उसको कॉइंस मिल भी चुके हैं। अगर आप सब लोगों ने अभी तक डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो, मैं बहुत जल्द उसके अंदर गिव अवे शुरू करने वाला हूँ इस वीडियो के बाद। अगर आप सब लोगों ने गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो फटाफट से डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन या फिर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर भी मिल जाएगी। अगर आप सब लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बिकॉज हम बहुत ज्यादा करीब है 8,000 सब्सक्राइबर पे, फटाफट से कर दो और हमारे सब्सक्राइबर कम्युनिटी के अंदर भी ज्वाइन कर लो। तो फटाफट से चलते अपने वीडियो के अंदर। तो शेडर के साथ रिकॉर्ड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है बिकॉज यहाँ पर लैग इतना ज्यादा होता है। अभी देख सकते हो कितना ज्यादा स्मूथ हमारा गेम जो है इजिली चल रहा है। तो यहाँ पर मैं बताने वाला आप सब लोगों को इस आर्मर को अपग्रेड कैसे करना है, बहुत ज्यादा इजी तरीका है और आप इसको इजिली कर सकते हो, वो भी एफ के तरीके से। ओके, तो मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ, ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन आर्मर है, आप देख सकते हो यहाँ पर 18,000 मैंने यहाँ पर जो है ग्राइंड किया है। ये कैसे किया है मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी इसको अपग्रेड किया है, तो इसको मैंने कैसे किया है ये भी आप सब लोगों को बता दूंगा। तो ये देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास एंडर पर्ल्स भी है और बहुत सारे कॉइन्स भी आ चुके हैं, ये भी आप सब लोगों को बता दूंगा कैसे आ गए। तो इस आर्मर को अपग्रेड करने के लिए बहुत सारे एंडरमैन को मारना पड़ता है जो कि आप सब लोगों को एंड में मिलते हैं। बट क्या अगर मैं एंडरमैन को अपने आइलैंड के अंदर लेके आऊँ तो क्या होगा, तो यहाँ मेरे रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। तो मुझे चाहिए, अरे मिडास नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, तो ये वॉन्ड आपको चाहिए होगी। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक पर्सनल कॉम्पैक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है, और मेन चीज यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए फाइनल डेस्टिनेशन आर्मर जिसको आपको अपग्रेड करना है। बाकी यहाँ पर अगर आप पेट लेना चाहे तो आप ले सकते हो, बाकी मैंने यहाँ पर जो है शीप पेट को यूज कर रहा हूँ जिससे हमारा इंटेलिजा इजिली बढ़ जाता है, बट हमें इंटेलिजा का यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। तो आप फटाफट से चलते अपने आइसलैंड के अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं, अगर आप आओगे मेरे आइसलैंड के अंदर, मेरा आईजीएन भूषण एचएचजी है, तो आप यहाँ पर जो है इजिली आ सकते हो, मेरे आइसलैंड को विजिट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आपको एक मिनियन हाउस दिखेगा, उसके साइड में आप सब लोगों को ये भी दिखने वाला है। मैं आपको ये बिल्ड दिखा देता हूँ, तो ये बिल्ड देख सकते हो, यहाँ पर मैंने कुछ ज्यादा कुछ चीजें की नहीं है, तो ये सिंपल मैंने ऐसे बनाया है। यहाँ पर वॉल्स लगा दिए, बाकी नीचे में एंडरमैन्स लगा दिए और यहाँ पर मैंने लगभग 10 एंडरमैन्स मिनियंस लगा दिए सिक्वेंस में, और ये स्पॉन करते हैं नीचे की तरफ एंडरमैन, बहुत सारे एंडरमैन स्पॉन होते रहते हैं। और यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक टावर लगा दिया है, इसको अच्छे तरीके से देख लो, यहाँ पर मैंने कुछ ज्यादा बड़ा नहीं बनाया है। तो मैं आप सब लोगों को लेके चलता हूँ अपने पुराने वीडियो के अंदर जिससे आप सब लोगों को इजिली पता चल जाएगा मेरे पास कॉइन्स कितने थे, मेरे पास एक्सपी कितनी थी और फाइनल डेस्टिनेशन आर्मर की अपग्रेड कितना था। तो ये भी आप सब लोगों को उस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा, बाकी आप सब लोगों को मैं मिलता हूँ उस वीडियो के बाद। मैं आ चुका अपने पुराने वीडियो के अंदर और मैं आप सब लोगों को दिखा देता हूँ मेरे पर्स के अंदर कितने कॉइन्स थे। तो मेरे पास टोटल 854K कॉइन्स थे, उसके साथ साथ मैं अपनी एक्सपी भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर लगभग 41 कंप्लीट हो चुकी थी, 42 के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, बाकी मैं यहाँ पर जो है फाइनल डेस्टिनेशन आर्मर यूज कर रहा हूँ। और तब मेरे पास जो है उसका अपग्रेड कितना था, 9719 मेरे पास जो है उसका अपग्रेड था। आप देख सकते हो मेरे पूरे आर्मर के अंदर वही आप सब लोगों को देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं यहाँ पर पर्सनल कॉम्पैक्टर के अंदर एंचेंटेड एंडरपल्स और एब्सोल्यूट एंडरपल्स यहाँ पर जो है रखने वाला हूँ। तो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर दिखा दिया बट मेरे पास एब्सोल्यूट एंडरपल नहीं था, इसकी वजह से मैंने इसके अंदर नहीं रखा था। तो यहाँ पर मैं स्पिरिचुअल स्कैपरेट यहाँ पर जो यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर शिपेड भी यूज कर रहा हूँ जिसका लेवल आप देख सकते हो 950K यहाँ पर जो है लेवल था। मिनियंस के अंदर जो है मैंने कुछ ज्यादा चीजें नहीं रखी है और ये लेवल्स भी कुछ ज्यादा मैक्स नहीं है, तो यहाँ पर मैंने कुछ लावा बकेट और सुपर कॉम्पैक्टर भी रखा है। तो आप देख सकते हो मेरे पास आर्मर के अंदर 9764 अपग्रेड है। अभी आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर एंडरमैन्स को किल करके, तो आप सब लोग देख सकते हो 9769 हमारे पास अपग्रेड आ चुका है। सो आप इसको AFK करके इसको अपग्रेड कर सकते हो। तो फटाफट से मैं इसको अपग्रेड करता हूँ।
much much later. तो जैसे कि आप सभी लोगों ने मेरी पुराने वीडियो के अंदर देखा और यहाँ पर देख सकते हो कुछ 7000 से मैंने शुरू किया था और मेरे पास जो अभी टोटल 18541 का अपग्रेड आ चुका है अपने आर्मर के अंदर। तो इस आर्मर को आप अपग्रेड करने से फायदा क्या होने वाला है? तो इस आर्मर को अपग्रेड करने से आपको यहाँ पर ट्रू डिफेंस मिल जाता है एंडरमैन से। तो जितना ज्यादा आपके लेवल्स रहेंगे उतना ज्यादा आपको डिफेंस मिल जाने वाला है, जिसे आप यहाँ पर जो है T4 भी क्लियर कर सकते हो। तो मैं आप सभी लोग बता देता हूँ इस चीज से हमें क्या मिला है। तो लगभग देख सकते हो 850 समथिंग कुछ कॉइन्स थे मेरे पास, अभी मेरे पास देख सकते हो 1.26 मिलियन कॉइन्स आ चुके हैं। और इतने सारे कॉइन्स कैसे आ गए? सिर्फ और सिर्फ ग्राइंड करने से। ओके, अगर मैं इसको मारता हूँ तो मुझे मेरे पास कितने कॉइन्स आएंगे? प्लस 19 कॉइन्स आ गए। तो आप देख सकते हो कितने सारे एंडरमैन मैंने मारे, तो मेरे पास बहुत सारे कॉइन्स आ चुके हैं। तो ये फ्री कॉइन्स है, आप इसको इजिली मार सकते हो और आपको यहाँ पर जो है इजिली मनी मिल जाते हैं, वो भी फ्री के मनी। बाकी आप सभी लोगों को यहाँ पर बहुत सारे और भी चीजें मिल जाती है, जैसे लाइक आपको यहाँ पर ये एक्सपी मिल जाती है जो कि इसको कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे आइटम्स मिल जाती है, इसको आप यहाँ पर जो है बाजार के अंदर सेल कर सकते हो, जिसे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर यहाँ पर जेरी इवेंट चलता है तो यहाँ पर आपको गिफ्ट्स भी मिलने वाले हैं अगर आप एंडरमैन को किल करते हो, व्हाइट गिफ्ट्स या फिर ग्रीन गिफ्ट्स और रेड गिफ्ट्स भी आपको मिल सकते हैं। तो उससे भी आप यहाँ पर जो है अच्छी खासी तगड़ी कमाई कर सकते हो। 4 घंटे में मेरी एक्सपी जो है यहाँ पर इस आर्मर की बहुत ज्यादा तगड़ी हो चुकी है। तो यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं इसकी सेलिंग प्राइस। तो अगर मैं इसको सेल करता हूँ तो ये कुछ 15,000 में जाता है, और इसको अगर मैं सेल करता हूँ तो ये लगभग 74,000 तक जाता है। तो ज्यादा कुछ महंगा नहीं है, बट आप सभी लोग देख सकते हो मेरा प्रॉफिट यहाँ पर जो है लगभग 300K का हो चुका है। अगर आप यहाँ पर फाइनल डेस्टिनेशन आर्मर अगर बनाते हो और ये AFK ग्राइंड करते हो, इसको सेल करने के लिए आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाला है। सो आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पर फाइनल डेस्टिनेशन आर्मर की कॉस्ट, और ये सेल कर रहा है 54 मिलियन के अंदर। बिकॉज इसके अंदर प्योर ब्लू डाई भी है, इसकी वजह से ये नॉर्मल आर्मर है और इसके अंदर अपग्रेड है 16,000 का, फिर भी ये सेल हो रहा है 23 मिलियन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैंट। और अगर मैं अपना पूरा आर्मर की कॉस्ट भी बताऊंगा ना तो भी ये सबसे ज्यादा सेल होने वाली चीज होने वाली है, देख सकते हो यहाँ पर भी। बाकी आप यहाँ पर इसको चेकआउट कर सकते हो ऑक्शन हाउस के अंदर। तो आप इजिली यहाँ पर जो है मनी मेकिंग कर सकते हो, बहुत सारे लोग करते हैं, आप भी करो, आपका भी प्रॉफिट होगा। बाकी यहाँ पर जो एक नया अपग्रेड आ चुका है जो कि एक NPC ऐड हो चुका है, कहाँ पर था ये? ओके, सो यहाँ पर एक NPC ऐड हो चुका है, इससे बात कर लेते पहले क्या बोलता है ये, मुझे भी पता नहीं एक्चुअली, मैंने पहली बार देख रहा हूँ मैं। ओके, स्वीट आइटम, मुझे पता है एक चीज, हाई पिक्सल के अंदर इसको देखा है। ओके, सो मुझे यहाँ से कुछ करना नहीं, यहाँ से बस मुझे एक्स लेनी है, स्वीट एक्स, यहाँ से मुझे बस ज़ॉम्बीज़ को मारना है। कितने ज़ॉम्बीज़ को मारने का बोला था? ओके, इससे हमें स्वीट फ्लेश मिल जाता है, और ये हमें कितने चाहिए मुझे भी पता नहीं एक्चुअली ये कितने चाहिए। ठीक है, चलो इसको देखते हैं सेल करके क्या ये सेल, मतलब सेल नहीं यार, इसको देते हैं, क्या ये हमें कुछ देगा। ओके परफेक्ट, ओके उसने सारे ले लिए, ठीक है। ओहो ओहो, ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो है कुछ ग्रेट स्पूकी स्पूक बूट मिल चुके हैं। बाकी इसका कुछ फायदा होने वाला है मुझे नहीं पता है, बाकी यहाँ पर देख लेते क्या होता है। ब्रिंग मी 5 फेरी विंग्स, अब फेरी विंग्स कहाँ से लाओ इसको? ओह भाई, ये देख सकते हो फेरी विंग्स कितने ज्यादा कॉस्टली जा रही है। आप सभी लोग इसको भी कम्प्लीट कर दो, और जिससे आपको यहाँ पर जो है फ्री स्पूकी आर्मर जो है इजिली मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मे भी आप सभी लोगों को सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, कैसे आप सभी लोगों को अपना फाइनल डेस्टिनेशन आर्मर या फिर आपका रीपर आर्मर भी आप ऐसे करके अपग्रेड कर सकते हो, कैसे करना है, ये सारी चीजें आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। करते हैं इस वीडियो खत्म, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ गाइस, अगर आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं बहुत जल्द डंजन 5 की भी यहाँ पर वीडियो जरूर लाऊंगा, सो डोंट वरी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।